बीजेपी वाला आज से चोर है, चोरे चोर है। बीजेपी वाला सब करवाता है, जदयू का करवाता है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट के जिंदगी से खेलवाड़ हो रही है। एक तो गलत बात है, तेजस्वी यादव इस समय नहीं रहता है। तेजस्वी यादव नहीं रहते? नहीं नहीं, तेजस्वी ने पीए पर लगा रो, तेजस्वी ने फोटो दिखा के सम्राट चौधरी पर लगा, नहीं सम्राट पर करवाई हुआ ना तेजस्वी के पीए पर करवाई हुआ। अगर कोई भी पार्टी का इसमें इन्वॉल्व हो उसका कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। नीट पेपर लीक का मामला अब लगातार धूल पकड़ता जा रहा है। एक के बाद एक पार्टियां दूसरे पार्टियों पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के पीए पर आरोप बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लगाया, अब तेजस्वी यादव भी खुल करके मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने कुछ तस्वीरें आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट की है, जिसमें साफ तौर पर जो नीट पेपर लीक का किंग पिन है, यानी कि उसकी तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्रियों के साथ पोस्ट की गई है। सम्राट चौधरी के साथ भी पोस्ट की गई थी कुछ दिन पहले, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक का जो सरगना है वो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी बताया जा रहा है। पार्टियां आरोप प्रत्यारोप तो लगा रही है, लेकिन आम जनता की आवाज़ जो है वो दब जा रही है। तो हम आम जनता के बीच पहुंचे हैं, आम जनता से जानेंगे कि पार्टियां आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन कौन सी पार्टी जो है उस पर लोग भरोसा करें, कौन से नेताओं पर भरोसा करें। स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं और अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है और नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। नीट पेपर लीक हुआ है, एक दूसरे पर नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते। बीजेपी वाला आज से चोर है, चोरे चोर है। बीजेपी वाला सब करवाता है, जदयू का करवाता है, बीजेपी करवाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पोस्ट किए हैं तेजस्वी यादव फोटो, जो मास्टरमाइंड है। सारा गलती बिहार में कर रहा है नीतीश कुमार। हाँ, 2020 में जो विधायक का चुनाव हुआ था तो उसमें कितना कोई के 10,000-5,000 से वोट से हरा दिया था विधायक से, हालांकि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बना हुआ था। ये सब दोगलबाजी करता है, सब गलती करता है। तेजस्वी यादव के पीए का नाम भी आ रहा है, पीए पीएस का नाम आ रहा है उसमें, गलत कर रहा है। हाँ? तेजस्वी यादव ये सब में नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं ना, लेकिन नाम तो उनके भी पीए का पीएस का आ रहा है। तो वो जानते हैं कि नामी चोर बदनामी भी होता है, गलत बात है। कौन लग रहा है नेता लोगों पे कार्रवाई होगा कि नहीं होगा, एक जांच के बाद ही ना पता चलेगा। पेपर लीक होना आम बात हो गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नहीं होती तो इसमें सरकार के दोष है ना, उसमें सीबीआई जांच करवाई है उस पर। एक के बाद एक तमाम नेता का नाम आ रहा है, आखिर कौन सा नेता सच्चा है, कौन सा नेता झूठा है, जनता कैसे पता। अभी तो देखिए जो सरकार है अभी तो उसको ऊपर अति होना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए अभी सवाल उठता है। हाँ, सरकार की वजह से होता है, पैसा लेकर सब करता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पीए पीएस का नाम आ रहा है, उनके पीए का नाम आ रहा है। नहीं, ये गलत बात है, तेजस्वी यादव इस समय नहीं रहता है। तेजस्वी यादव नहीं रहते? नहीं नहीं। हाँ, लेकिन अगर उनके पीएस का हाथ है, पीए का हाथ है, सरकार उसी का हाथ में है, और तेजस्वी यादव का आरोप आ रहा है, गलत बात है, समझे, गलत बात है। छात्र अब किस पर भरोसा करेंगे? छात्र को जी का सब पहले तो अपने सही रहे, तब तो नेते लोग है जो आती है मामले में। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है? खाली आरोप का आरोप चल रहा है, पहले तेजस्वी पर आरोप लगाया। हाँ। तेजस्वी के पार्टी ने फोटो दिखा के सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए, ये आरोप के पर तो आरोप चलने से इसे नहीं ना कुछ होगा। जो इतना भविष्य में बच्चों लोग परीक्षा दिए, किसी के बाप ने खेत बेचा, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने जमीन रखा कि बेटा के में से कुछ भविष्य बनेगा, तो बिहार से लेकर अभी तक कनेक्शन चालू हुआ, अभी तक उसको जड़ तक जाया नहीं गया है। और कौन पार्टी के विलंब है, जब किसी को आरोप लग रहा है तो वो पार्टी उसको कह रहा। इसमें अभी जो सत्ता पक्ष है उनको इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे भी आप देखे होंगे कि सीबीआई आए हैं, उन पर भी हमला हुआ है, वो कौन पार्टी के हैं, आरोप से काम नहीं होगा। इन पर बहुत तरह से बात है, इनको लेना चाहिए और सीरियस लेके, ना तो इस तरह से होते रहेगा, बाल बच्चा बूढ़ा होते रहेगा, परीक्षा लीक होते रहेगा, हर परीक्षा से लीक हो रहा है। तेजस्वी यादव के पीए पर पहले आरोप लगा, तेजस्वी ने पीए पर लगा आरोप, तेजस्वी ने फोटो दिखा के सम्राट चौधरी पर लगा, नहीं सम्राट पर करवाई हुआ ना तेजस्वी के पीए पर करवाई हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है अब। हाँ, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का भी अब उनको नाम आ रहा है।
उनका फोटो शेयर किया गया है राजद कि इनके साथ है, तो साथ रहने से जदयू के नेता बता जदयू के नेता बता रहे हैं सूरज मुखिया अब वो भी फरहा रहे हैं, उनको पत्नी आके कुछ बताए हैं मीडिया में आके बताए हैं, और जिस जगह पर रुका है वो वहाँ पे जगह पर उसको घर मालिक भी कुछ उस बात में बता रहे हैं। भरोसा करे किस पर भरोसा करे, ये तो सोचना है गार्जियन किस पे भरोसा करे, कभी इस सरकार के चुन रहा है कभी इस सरकार के चुन रहा है, फिर भी सारा सरकार देखिए बिहार में तीन वो बड़ी पार्टी है, तीनों पर तो आरोप लग ही रहा है, बीजेपी है जदयू है आरजेडी है, तभी तीनों में कौन संभालेगा, कोई तीसरा कोई चौथा पार्टी के लाना चाहिए युवा को, ये सबसे समझिए सब बिहार के बच्चा भी बूढ़ा भी सब उब चुका है। अगर पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व है इसमें तो फिर अब स्टूडेंट्स क्या करें, क्या करें, क्या लगता है कार्रवाई होगी पॉलिटिकल पार्टियों पे, क्या कार्रवाई नेता पे हो सकती है? नेता पे कैसे होगा, सब चीज़ तो उसी का है, वोट उसी का है, जजमेंट उसी का है, फैसला उसी के हक में आवेगा, कोई छोटा आदमी को फंसाया जाएगा और सब कोई केस क्लोज कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब छोटे मछली को फंसा के बड़ी मछली बड़ी बस यही होगा बिहार में। अब पहले तो पेपर लीक होता था लेकिन अब बिहार से ही कनेक्शन निकल करके आ रहा है, क्या लगता है बिहार में सिर्फ होता था अब नेशनल पेपर भी बिहार से ही लीक हो रहा है? हर जगह से हो रहा है, बिहार में सरगना ज्यादा है, बहुत लंबा गैंग चल रहा है, यहाँ से बिहार से ही हर जगह पेपर जा रहा है, ऐसा तो नहीं बिहार की बात नहीं है, प्रधानमंत्री वहाँ भी तो किया है आवाज, अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब तो मोदी जी की भी चाहिए इस पर जवाब। अब जो उल्टा छोड़ को समझ गए ना, नाम आ रहा है तेजस्वी यादव के करीबी मंत्री का नाम आ रहा है, उनके ड्राइवर का नाम आ रहा है, सूरज मुखिया जो पूरा सरगना है जो इस नीट पेपर लीक का, उनके साथ उनकी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो इस बार दिखाई दी है। अच्छा एक बताए, अनुराग यादव जो हैं उन किन के नेता हैं, वो किन के पार्टी के हैं, आप ये जवाब दीजिए। और वो आप जो बोल रहे हैं मुखिया के बारे में, वो जो सम्राट चौधरी हैं, एक और नाम आ रहा है जो सम्राट चौधरी उनको अवार्ड दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो उनको तेजस्वी यादव उनको अवार्ड को ही गलत साबित कर कह रहे हैं कि मेरे पार्टी का ही है, तेजस्वी भाजपा का पार्टी का है, भाजपा को ही बदनाम कर रहे हैं। पार्टी से पक्ष में आकर के किसी से मत बोले, एक स्टूडेंट के पक्ष से होकर के एकदम बिल्कुल कि कार्रवाई होना चाहिए कोई भी नेता, इसका तो सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि लाखों तो आई उस पे अटैक हो गया, क्योंकि लाखों स्टूडेंट के जिंदगी से खेलवाड़ हो रही है, एक तो वैकेंसियां कम आ रही है और आ भी रही है तो पेपर लीक जैसी समस्याएं आ रही है, जिसके वजह से सीबीआई अच्छी तरीके से जांच करे, जो कार्रवाई हो बीजेपी हो जदयू हो या आरजेडी हो कोई भी पार्टी का हो उसमें अगर इन्वॉल्व है तो उनको कड़ी से कड़ी, जो अभी पेपर में जो आ रहा है एक सुनिए 1 करोड़ रुपया जो अगर उसमें इन्वॉल्व होता है, अगर वो पकड़ा जाता है उसको 1 करोड़ रुपया और 10 साल की सजा का आती है परिवार आती है उसको दिया जाए, अगर वो जो पकड़ाता है हम कहीं ना कहीं हमको तेजस्वी यादव के ही करीबियों पे तेजस्वी यादव के ही लोगों पे लग रहा है, क्योंकि वो आए दिन सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें भी जिस तरह से अनुराग यादव का जो फर्स्ट बार में नाम आया था 15 से 20 लोगों को ये आपका खैमनी चेक में जो साइड में ले जाकर एक होटल में पे एग्जाम से पहले ही कॉपी अति मिल गया एग्जाम पहले ही उनको कॉपी आंसर मिल गया था, आखिर कैसे मिल गया, कहीं एक प्रोफेसर का भी नाम आ रहा है जिसमें अभी बहुत बड़ा इसमें ना झोल है। अच्छा क्या लगता है नेताओं पर कार्रवाई होगी? एकदम बिल्कुल हाँ वो कोई भी पार्टी से हो, पार्टी से इसको नहीं देखा जाए, अगर कोई भी पार्टी का इसमें इन्वॉल्व हो उसका कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सीबीआई आ रही है जांच करने तो उस पर अटैक हो जा रहा है, सीबीआई बिहार कनेक्शन में क्यों रह रहा है? ईओयू भी एक अति आई है वो भी जांच में लगी हुई है, उन्हीं के जांच के अनुसार में मुखिया का नाम आ रहा है, एक मुखिया की वाइफ का नाम आ रहा है, अनुराग यादव का भी नाम उन्हीं आया, अब उसमें इन्वॉल्व हो गई है सीबीआई, अब सीबीआई का भी देख लेते हैं किनका किनका नाम आता है। सीबीआई जो है सच सच के साथ होता है, वो जो गलत होता है उसके साथ कार्रवाई होती है, सीबीआई किसी का पक्ष में नहीं होता। अगर बिहार कनेक्शन क्यों रहता है नहीं किसी भी पेपर लीक का भी? हाँ ये तो एक बड़ी बड़ी मुद्दा है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है जिस तरह से अभी देख रही हैं कि पुल का भी लगातार पुलें गिर रही हैं, जिस तरह से कोई भी एग्जाम से आने से पहले ही पेपर लीक हो जा रही है, उसी तरह से उद्घाटन होने से पहले पुल गिर रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं बिहार में जो सरकारें हैं उसकी बहुत बड़ी कमियां हैं, इस कमियां को दूर करने के लिए स्टूडेंट को भी
और यहाँ के पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। पहुँचे थे और लोगों से जान रहे थे कि आखिर कोई भी पेपर लीक होता है तो उसका बिहार कनेक्शन ही सामने क्यों आता है और बिहार के नेताओं के नाम ही क्यों आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार से ही शुरू हुआ है नीट पेपर लीक और किसी भी पार्टी, चाहे फिर वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, अगर इसमें नाम आ रहा है तो खुलकर इसकी जांच होनी चाहिए और सबसे बड़ी कार्रवाई नेताओं पर होनी चाहिए कि नेताओं के नाम अगर आ रहे हैं और अगर वो दोषी हैं तो नेताओं को सजा मिले, ताकि आगे चल करके बार बार जो पेपर लीक का मामला सामने आता है वो पेपर लीक पर लगाम लगाया जा सके। अब देख रहे थे फौज बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।